सो हेलो एंड वेलकम यू वोल आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की साथ ही बात करेंगे अडानी की तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी की काफ़ी कुछ अपडेट्स आपको मिलने वाली है तो प्लीज़ जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू स्विज एनर्जी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो स्टॉक में कल काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी स्टॉक में गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था तो इनका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था मार्क जिनकी ओर से यहाँ पर अगर देखें कल रिज़ाइन कर दिया गया है मार्क का जो कार्यकाल था वो यहाँ पर सितंबर 2024 में ख़त्म होने वाला था बट उससे पहले ही उन्होंने यहाँ पर क्विट कर दिया इसके पीछे का सीधा सा रीज़न ये सामने निकल कर आ रहा है कि जो चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते थे वो चीज़ें यहाँ पर पूरी नहीं हो रही थी इस वजह से यहाँ पर मार्क की ओर से रिजाइन किया गया इसी वजह से सुजलॉन जो है चार परसेंट से ज़्यादा कल गिरा है जिसका इफेक्ट कई रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ा है यहाँ पर काफ़ी लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ा है और वही गए देखिए उसकी रिकवरी आज स्टॉक में देखने को मिलती भी है यहाँ पर स्टॉक जो है इक्यानवे पैसे के अराउंड बढ़ता हुआ नजर आया 1.92 परसेंट के बिहा पर इस शेयर बढ़ा है और 48.26 एट के अराउंड अगर आप देखते हो तो स्टॉक में क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है मॉर्निंग में ही गैप अप हुआ था उसके बाद एक फॉल देखने को मिला सत्तर पैसे ये शेयर गिर गया फिर उसके बाद जो रिकवरी रही यहाँ पर अगर आप देखो तो 9:20 से 10:20 के अराउंड राउंड स्टॉक जो है एक रुपये पैंसठ पैसे के अराउंड बढ़ा बट उसके बाद अगेन इसमें 50 पैसे के अराउंड तक की गिरावट रही बट एट एंड इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है पिछले पाँच दिनों की भी अगर हम बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट थर्टीन रुपीज़ के अराउंड बढ़ गया है जो काफ़ी अच्छी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है आज बढ़त के पीछे रिकवरी के पीछे का रीज़न क्या है रीजन काफ़ी बड़ा है सुजलॉन ने यहाँ पर वन हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट नाइन्टी फाइव मेगा का वाइन प्रोजेक्ट यहाँ पर हासिल किया है ये प्रोजेक्ट इन्हें मिला है एमपिन एनर्जी ट्रांजिशन से तो यहाँ पर अगर देखा Uh, देखा जाए तो एक सौ तीन पॉइंट पिचानवे मेगावाट का वाइन प्रोजेक्ट इन्हें मिला है काफ़ी बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर सुजलॉन के लिए और बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखोगे रिनेबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर सुजलॉन ग्रुप ऑन ट्यूजडे सेड इट्स हैज़ सिक्योर्ड वन मेगावाट वाइन प्रोजेक्ट फ्रॉन एमपिन एनर्जी ट्रांजिशन एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट सुजलॉन विल सप्लाई वाइन टर्बाइंस एंड एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट तो यहाँ पर अगर देखें इसमें जो एग्रीमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो जो सूझलाउना है वो सप्लाई करेगा वाइन वाइन टर्बाइंस को एंड एग्जीक्यूट करेगा अपने प्रोजेक्ट्स को इंक्लूडिंग इरेक्शन एंड कमी कमीशनन एट फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो जो यहाँ पर राजस्थान का फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये आ, जो प्लांट है जो प्लांट है, है स्टैब्लिश होने वाला है इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कंपनी की ओर से कंपनी की जो ऑफिशियल्स है उनकी ओर से ये चीज़ें सामने आ रही है सुजलॉन विल इंस्टॉल थर्टी थ्री वाइन टर्बाइंस जनरेटर्स विथ हाइब्रिड लेटिस ट्यूबलर तो यह जो है इसका शॉर्टफॉर्म है एच एल टी हाइब्रिड लेटिस ट्यूबलर तो सुजलॉन लगभग थर्टी थ्री वाइन टर्बाइन जनरेटर्स जो है यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला है तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और वही अगर देखें रेटेड कैपेसिटी जो इसकी रहेंगी थ्री पॉइंट फिफ्टीन मेगावाट की रहेंगी हर एक की थ्री पॉइंट फिफ्टीन मेगावाट रहने वाली है इट विल अल्सो अंडरटेक कम्फ्रेंसिव operations एंड maintenance सर्विस तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें ये चीज़ भी कंपनी के ऑफिशियल्स की ओर से ही सामने आ रही है तो ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर एक काम कर रहे हैं और वही अगर देखें प्रोजेक्ट ऑफ दिस साइज कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एटी फाइव थाउजेंड हाउस तो यहाँ पर अगर देखा जाए एटी फाइव थाउजेंड मतलब पिचासी घरों को जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड की जाने वाली है और टन जो है सी ओ टू आ, एमेजन यहाँ पर हर साल होने वाला है तो एक काफ़ी बड़ा बड़ी न्यूज़ सामने यहाँ पर आ रही है जो नेट ज़ीरो का प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का वो यहाँ पर धीरे धीरे पूरा हो सकता है और सुजलॉन में अगर देखा जाए तो कई बड़े जो फर्म्स है ऑलरेडी पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आते हैं कई बड़े फर्म्स की ओर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव रेटिंग दी जा रही है इसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट रहा है सुजलॉन के लिए और यहाँ पर जो आई सी आई सी आई सिक्योरिटीज़ है उनकी ओर से भी अगर देखा जाए तो बाय रेटिंग ही दी जा रही है साठ रुपये का इनकी ओर से टारगेट दिया जा रहा था सुजलॉन में ये न्यूज़ है कल की कल ही ये न्यूज़ आई थी और वही अगर देखिए इसके अलावा भी कई बड़े मॉर्गन स्टैंडली जैसे बड़े फर्म्स भी जो है यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आते हैं तो सुजलॉन में आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो और एक बड़ी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक में और बड़े जम्प यहाँ पर हमें देखने को आ, मिल सकता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं अडानी की तो अडानी की ओर से भी अगर देखिए एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है आज ही की ये न्यूज़ है अडानी श्रीलंका वाइन प्रोजेक्ट ऑफर्स चिपेस्ट टेरिफ इन आइसलैंड नेशन तो यहाँ पर अगर देखिए चिपेस्ट टेरिफ यहाँ पर रखने वाले तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखोगे अडानी ग्रुप विच इज़ सेटिंग अप टू वाइन पावर प्रोजेक्ट इन श्रीलंका टोटलिंग फोर हंड्रेड एंड एटी फोर मेगावाट तो चार सौ चौरासी मेगावाट का यहाँ पर एक वाइ वाइन प्रोजेक्ट यहाँ पर रहे श्रीलंका में ये सेट uh, करने वाले हैं और वही अगर देखें हैज़ ऑफर टू प्रोवाइड रेनोबल पावर एल के आर ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव पर यूनिट अबाउट एट पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो यहाँ पर अगर देखें चौबीस पॉइंट पचहत्तर एल के आर uh, के साथ यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाले पावर प्रोवाइड कराने वाले श्रीलंका में तो एक काफ़ी बड़ी चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिलती है तो बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है अडानी की ओर से भी तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए द श्रीलंका गवर्नमेंट हैज़ इंटर्न इंटू ट्वेंटी ईयर पावर परचेस एग्रीमेंट तो बीस साल का पावर परचेस एग्रीमेंट है अडानी ग्रीन के साथ तो अडानी ग्रीन के ऊपर भी इसका एक इफेक्ट पड़ सकता है हालांकि अडानी ग्रीन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूअसली गिर रहा है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अडानी ग्रीन में जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर एक फॉल देखने को हमें मिल रहा है आप यहाँ पर देख भी सकते हो आज भी पच्चीस रुपये पचपन पैसे के अराउंड जो है इसमें गिरावट रही है अठारह सौ चौपन रुपये के अराउंड क्लोजिंग रही पिछले पाँच दिनों में अगर देखें हालांकि रिकवरी आई है बट यहाँ पर अगर देखें कल से स्टॉक में जो है एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है स्टॉक में एक बड़ा जंप आने वाले टाइम में आ सकता है एक बड़े स्पाइक हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं Uh, सुज लॉन में अगर आप देखोगे पॉजिटिव रह सकते हो कल जैसा मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर ट्रेड लाइन है और उस ट्रेड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो स्टॉक में एक अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है ये चीज़ें हमने कल डिस्कस भी की थी और डाउन साइड की ओर से इसके पास एक सपोर्ट है ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी गैप पेंडिंग पड़ा है गैप फिल करने के लिए जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखो एक्जैक्टली वही चीज़ें हमने देखी है यहाँ पर डाउन साइड की जो से जो ट्रेड लाइन यहाँ पर बनी है उस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पे अगर आप देखो तो यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल जाता है ऊपर से यहाँ से रजिस्टेंस से फेस कर रहा है मल्टीपल टाइम यहाँ से इसने रजिस्टेंस फेस किया आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक में एक अच्छा जंप रहा फिर उसके बाद अगेन ये साइडवेज देखने को हमें मिला है जो ट्रेड लाइन हमने कल बनाई थी एक्जैक्टली exactly वही पॉइंट्स यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक रजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही अगर आप देखोगे डाउन साइड की ओर से एक ट्रेड लाइन ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है तो कल अगर इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर सस्टेन करता है जो गैप पेंडिंग पड़ा है वो टोटली फील हो सकता है हालांकि इसने फील करने की कोशिश की बट यही से सीधा डाउन साइड की ओर आ गया बट कल अगर ब्रेकआउट मिला तो स्टॉक में यहाँ से एक बड़ा जंप आ सकता है और डाउन साइड की ओर से जो सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पर सपोर्ट शो किया है यहाँ पर सपोर्ट लिया है अगेन यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया तो अगेन यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला फिफ्टी पॉइंट सिक्सटी का लेवल अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक में यहाँ से एक बड़ी रैली आ सकती है बड़ा जंप यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है नए टारगेट्स हीट्स हो सकते हैं तो इसके लिए भी आपको रेडी रखना है यानी बड़ा जैकपॉट यहाँ पर आ सकता है स्विटरलैंड में क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की ओर से इस पर्टिकुलर शेयर में एक स्ट्रांग सपोर्ट है और इस सपोर्ट सपोर्ट uh, जब तक ये ले रहा है तब तक आप इसमें पॉजिटिव रह सकते हो और एसेंडल टाइप ट्रैंगल भी बन सकता है और एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर हमें मिल सकता है तो ओवरऑल इस पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए तो ओरऑल काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया सुजलॉन का लेकर इस वीडियो में तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इनका एनालिसिस कर लेना साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी की काफ़ी कुछ अपडेट्स वहाँ पर मिलने वाली जाकर चेकआउट करना थैंक यू